Before we start, let's have a quick introduction of the subject BFD. थोड़ा सा इसका क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम ये देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए क्या स्किल सेट जनरली रिक्वायर होता है, और फिर हम इस सब्जेक्ट पे आ जाएंगे कि इस सब्जेक्ट का ब्रेकअप क्या है, हाउ वुड वी कंडक्ट, हाउ वुड वी मूव फॉरवर्ड, कितना आप ऑनलाइन मटेरियल रेफ़र करेंगे, हाउ मच वी विल बी फिज़िकल, एंड हाउ व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू पास इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विच इज़ द टारगेट. ऐसा ही है ना जी, राइट? क्योंकि हमें क्वालिफाई होना है, बड़ा आदमी बनना है. यस, तो देखें, ये जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा ये वो निचोड़ है. मेरा ख़्याल ये है कि आई बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट फॉर अबाउट लाइक वॉट 50+ बैचेस, more than 16 years, and having seen and counseled a lot of students on this subject, so this is the hands-on information that I'll be sharing with you. Acha, ye jo subject hai iske basics bahut aap niche padh ke aaye hain, hai na, jo CAF ke andar jisme NPB IRR ki kuch basics aapne dekhi hain apne costing ke subject ke sath. Is subject ka abhi bhi main samajhta hu isme bahut thodi si basics niche hai और बहुत ज़्यादा इसका जो फ्लेवर है वो ऊपर है. और ये सब्जेक्ट, इसके साथ एक अच्छी बात ये है, एंड दैट्स द रीज़न आई लव इट, इट्स अ डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट, इट इज़ एन एनालिटिक सब्जेक्ट. इस पर हम अर्थमेटिक की, हम स्टैट्स की बेसिक्स यूज़ करेंगे फॉर बिजनेस डिसीजंस, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू टेक यू टू बिकम CFO गोइंग फॉरवर्ड, नॉट द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, नॉट द कोर टैक्स. राइट? क्योंकि आप कितनी भी बड़ी कंपनी में चले जाए ना, आपने टैक्स तो आउटसोर्स ही किया हुआ होता है. तो अ कंसल्टेंट, यू ओनली नीड टू नो द बेसिक्स. राइट? आपकी अकाउंटिंग भी अब तकरीबन जो है ना, एक ज़माने में जब हम बच्चे थे ना तो हम सुनते थे कि अकाउंटेंट के लेजर टाई करने वाले एक्सपर्ट होते थे. कैन यू, आई मीन प्रॉब्ली इन योर वर्ल्ड यू वुड नॉट इवन थिंक ऑफ दैट. राइट? अब तो हर वक्त ERP पे TV टाई होता है ना, तो वट इज़ दैट, सस्पेंस अकाउंट टाई करने के एक्सपर्ट होते थे, इज नॉट द केस नाउ. तो अकाउंटिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा इस वक्त ऑटोमेट भी हो गई है, उसके भी आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियंस मौजूद हैं. टू बी अ CFO एंड टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंस एंड बिजनेस लीडर, दिस इज अ सब्जेक्ट दैट कैन टेक यू फॉरवर्ड. इट्स ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, है ना, इट्स ऑल अबाउट नेविगेटिंग थ्रू अ सिनेरियो एंड मेकिंग अ राइट डिसीजन. तो ये सब्जेक्ट इसलिए इंटरेस्टिंग भी है और मैं समझता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. राइट? इसके साथ थोड़ी सी आप कहें कि अभी तक एक इस सब्जेक्ट के साथ बैड लक कह लें, या थोड़ा सा टिल्ट ये है कि अभी भी इसकी जो बेसिक्स हैं वो बहुत कम नीचे हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे है. दिस वेरी अनलाइक ऑडिटिंग, जिसको आपने बेसिक्स पूरे पढ़ लिए और यहाँ सिर्फ एडवांस ऑडिटिंग है. वेरी अनलाइक टैक्स, जिसके बेसिक्स आपने नीचे पढ़ लिए पूरे एज अ फुल सब्जेक्ट, एंड देन आपने पूरा एडवांस एंड प्लानिंग का टैक्स का पोर्शन वहाँ ऊपर पढ़ लिया. सो बिफोर वी स्टार्ट, ये सब्जेक्ट में और क्या है, ठीक है, एंड दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द रीज़न जो मैं आपसे कह रहा हूँ, दिस इज़ वन रीज़न दैट दिस सब्जेक्ट लोग समझते हैं कि इसमें टाइम लगता है, एंड टाइम लगना भी चाहिए नेचुरली, बिकॉज इसमें कॉस्टिंग की भी एडवांस पार्ट कुछ डाले हुए हैं, और BFD का तो आप समझें 90% एडवांस पोर्शन है ही, यहाँ बेसिक्स बहुत थोड़ी सी आपने पढ़ी है. दी अदर इशू जिसकी वजह से लोग या इस सब्जेक्ट को इन्जॉय करते हैं या इसमें स्ट्रगल करते हैं, इज़ बिकॉज दिस सब्जेक्ट रिक्वायर्स, जैसे मैंने कहा, गुड एनालिटिकल एंड अर्थमेटिक स्किल्स, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. तो अब मैं आपको ये हैंड आउट दे रहा हूँ जिसमें हम एक सिनेरियो एक दो डिस्कस करते हैं, वील टेस्ट वेयर वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ आर बेसिक अर्थमेटिक एंड एनालिटिकल स्किल्स. फिर हम बात करेंगे कि हम आगे कैसे चलेंगे, हाउ वुड वी रन, और कैसे हम इंशाल्लाह अगर एक प्रॉपर प्लान के थ्रू पढ़ें तो कोई इशू नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में से पास करना. तो आपके पास ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, इसे पढ़ें और इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें. We'll see how it works. जी, हैंड आउट अभी आपसे शेयर हो रहा है, जो दोस्त ऑनलाइन है
स्टे देयर, दिस इज बीइंग शेयर्ड विथ यू इन अ मोमेंट. हो गया शेयर? जो दोस्त ऑनलाइन मौजूद हैं कंफर्म कर दें कि उन्हें हैंड आउट मिल गया. व्हाट्सएप ग्रुप पे शायद शेयर किया है, राइट? यहाँ भी कर दें स्क्रीन पे फॉर अ फ्यू मिनट्स. एवरीबडी ऑनलाइन एग्जाम्पल वन. मैं ये बात कहता हूँ कि BFD की क्लास में बगैर कैलकुलेटर के आना ऐसा ही है जैसे जंग में बगैर हथियार के चले जाना, ठीक है जी? तो ये मोबाइल फ़ोन इसलिए पैदा नहीं हुई कि इनसे कैलकुलेशन किए जाएं, ये कम्युनिकेशन के काम आती हैं. दे दें सूफ़ी साहब को कैलकुलेटर. प्लीज़ ब्रिंग इन कैलकुलेटर फ्रॉम नेक्स्ट क्लास. आपको दे रहा हूँ, पीछे है ये, बस ये ठीक है. एग्जाम्पल वन करें, मुझे बताएं क्या आ गया आंसर. 3 मिलियन. एक आंसर भी आ गया, देखें सही है गलत है ये बाद में पता चलेगा. फोर मिलियन एक और आंसर आ गया. जिसका मतलब ये है कि दोनों ही चेक करें. जी सूफी साहब, 4 मिलियन. जी ऑनलाइन गाइस, 4 मिलियन. सूफी साहब ऑल्सो सेज 4 मिलियन. जी जिन लोगों ने कर लिया वो चैट बॉक्स में लिखते जाएं अपना आंसर. तो हम क्या करेंगे कि हम अभी डिस्कस करेंगे हाउ वुड वी गो. हम सिलेबस को देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कितना आप ऑनलाइन मटेरियल रेफर करें, कितनी हम यहाँ फिजिकल करेंगे. बट वी विल गिव यू इनफ प्रैक्टिस मटेरियल. यस यस. उसी के लिए तो कर रहे हैं ये जो अभी हम एग्जांपल कर रहे हैं, इट इज़ फॉर दिस पर्पस, राइट? ताकि हम एक तो रियलिटी चेक हो जाए कि वेयर डू वी स्टैंड, राइट? एंड इफ़ यू आर गुड एट अर्थमैटिक एंड एनालिटिकल स्किल्स, दिस इज जो है ना सब्जेक्ट दैट यू वुड एंजॉय. इफ़ नॉट देन यू स्ट्रगल एंड मैनी अ टाइम्स पीपल कंटिन्यू टू डू वॉट दे हैव बीन डूइंग, सो यू कंटिन्यू टू गेट द सेम रिजल्ट. इफ़ यू कंटिन्यू टू शूट इन द डार्क, सो इट्स लाइक दिस. और ऐसे लोग हैं बहुत सारे, ये तो आपने एक आध एग्जाम्पल बताई है ना, उनसे डरना नहीं चाहिए. एक ही 40 है जी. मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ. बट देयर आर सेवरल पीपल हु हैव पास्ड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? हाँ. सो दे मस्ट बी डूइंग समथिंग व्हिच ही शुड नॉट बी, राइट? एंड उसके मैं बताता हूँ आपको. आई सेट दिस इन ओरिएंटेशन. जब किसी का पेपर पास नहीं होता ना, मैं उसे कहता हूँ आप मुझे करके दिखाएं. आप दो पिछले अटैम्प्ट के पेपर ले आए मेरे पास. 60-70% लोग वापस ही नहीं आते. इतनी मेहनत कौन करे? और जो आते हैं मैं उसमें से यकीन से कह सकता हूँ 80-90% अगले अटैम्प्ट में पास हो जाते हैं, जिनको अगर फीडबैक सही मिल जाए. बिल्कुल लेके चलो. नहीं हो गए इंशाल्लाह. सो रेस्ट अश्योर्ड. बट द प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट वी स्टे फोकस्ड एंड वी स्टे कंसिस्टेंट. ये हमारी ज़िंदगी के बहुत बड़े मसाइल हैं, है ना? ये कौमी सतह पर पॉलिसीज की इनकन्सिस्टेंसी, पर्सनल सतह पर सेल्फ इनकन्सिस्टेंसी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, राइट? तो विल टॉक अबाउट इट. 4 मिलियन 3 मिलियन यही आंसर आते रहे. ये तो मैंने कहे, आप लोगों ने क्या किया? ये ऑनलाइन फ्रेंड्स, अच्छा आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द आंसर. हम इसको डिस्कस करते हैं और हम अंदाजा लगाते हैं. फिर इट विल बी अ सेल्फ असेसमेंट फॉर एवरीबॉडी कि हमने क्या सही किया और क्या गलत किया. आपका आंसर क्या आया? 4 मिलियन. योर्स? 4 मिलियन. F Limited is a privately family-owned business of Mr. Husband. As part of its growth strategy, the company, अब हम जहाँ तक भी हैं हम रुक जाएं. अगर हमने कर लिया इट्स फाइन, नहीं किया तो अब रुक गए. और अब यहाँ देख रहे हैं हम. F is a family-owned business of Mr. Husband. As part of its growth strategy, the company has decided to invite a multinational company, M Limited, in the same sector to become shareholder in F. This will give the company access to global best practices. M has put a condition that it would like to have at least 25% of F's total issued share capital at any point in time. At any point in time. Underline 25%.
ऑफ इशूड कैपिटल एट एनी जिस भी पॉइंट इन टाइम पे जितना भी कैपिटल होगा उसका 25% होना चाहिए एम लिमिटेड के पास, ये एम लिमिटेड की कंडीशन हो गई। मिस्टर हस्बैंड ओन करते हैं 60% ऑफ कंपनी शेयर्स, हिज वाइफ ओन्स 20% एंड द रेस्ट आर ओन्ड बाय हिज टू सन्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, राइट। सो अब इस वक्त सिचुएशन क्या है, मैं लिख देता हूँ लेट एक्स बी द अननोन जो कि रिक्वायर्ड है, वो क्या है, इज एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। इसका कितना हिस्सा मिस्टर हस्बैंड के पास है, हस्बैंड ओन्स 60% ऑफ एक्स, हिज वाइफ ओन्स 20% एक्स एंड द रेस्ट आर ओन्ड बाय हिज टू सन्स इन टू प्रोपोर्शन, सो S1 शुड हैव 10% ऑफ एक्स एंड S2 अगेन 10%। ये हमारी जनरल नॉलेज है कि इट शुड एड अप टू 100%, राइट। ऐसे ही वाइफ एंड वन सन हैव रिफ्यूज्ड टू सेल एनी ऑफ देयर शेयर होल्डिंग्स एंड मिस्टर हस्बैंड इज अदर सन आर विलिंग टू सेल 20% ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग्स टू एम लिमिटेड। ये अपना ये और एक सन ये अपना क्या देंगे, 20% ऑफ देयर शेयर होल्डिंग देंगे, ये यानी 20% ऑफ 70% ऑफ एक्स, ऐसे ही है ना, यानी क्या बन जाएगा ये 14% एक्स, एक ये होगा। फिर क्या होगा, टू मीट द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज दैट रिक्वायरमेंट, 25% ऑफ इशूड कैपिटल एम के पास होना चाहिए, द कंपनी विल स्टिल नीड टू इशू 440,000 न्यू शेयर्स टू एम लिमिटेड, राइट। तो इसका मतलब ये है किसी भी पॉइंट इन टाइम पे 25% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल किसके पास होना चाहिए, एम लिमिटेड। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए एक आप 14% एक्स दे रहे हैं प्लस 440,000 दे रहे हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना भाई, नहीं, एक उनको 14% एक्स मिलेगा और प्लस उन्हें नए शेयर्स मिलेंगे। अब जब ये नए शेयर्स इशू हो जाएंगे तो रिवाइज कैपिटल क्या बन जाएगा, व्हाट विल बी द रिवाइज कैपिटल आफ्टर इशुएंस ऑफ 440,000 न्यू शेयर्स, आपका कैपिटल क्या बन जाएगा, आपका कैपिटल बन जाएगा एक्स प्लस 440,000, इज दैट राइट। इसका मतलब है कि 25% ऑफ एक्स प्लस 440,000 इज एक्चुअली 0.14 एक्स प्लस 440,000, इज दैट राइट। तो कह रहे हैं 0.25 एक्स प्लस 25% ऑफ दिस 110,000 is 0.14x plus 440,000, right? So 0.25x minus 0.14x is equals to what? 440 minus 110,000? 0.11x is equals to what? 330,000? So x should turn out to be what? 3 million. Ye grade 8वीं के वर्ड प्रॉब्लम्स को कंपनी की फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट करके मैंने आपको दिया है, एग्जैक्टली ग्रेड 8 की मैथमेटिक्स का वर्ड प्रॉब्लम पिक किया है मैंने, ठीक है। सो ये आप में से किसी को डिप्रेस करने के लिए नहीं, जस्ट टू टेल यू कि हाउ वी इंटरप्रेट अ गिवन डेटा एंड व्हाट हाउ गुड आर आवर एनालिटिकल स्किल्स। सिर्फ इन्होंने 3 मिलियन बताया, बाकी हम सब ने क्या कहा, 4 मिलियन, राइट। दिस नॉट टू डिस्करेज बट टू टेल यू कि दिस इज द इशू विद अस, राइट। बहुत सारे लोग इस सब्जेक्ट को जो फेल होते हैं इस तरीके से पढ़ते हैं कि मेरे सीनियर ने कहा था मुझे ना 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बस वो लगे हुए 400 क्वेश्चन में, वो 400 क्वेश्चन कोई तो देखा हो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा। ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़ने का ही नहीं, ना इसमें मज़ा है, ना इसमें की लर्निंग है, और ना इस तरीके से एग्ज़ाम में आप पास हो सकते हैं। अगर अगले 100 साल तक भी एग्ज़ामिनर इसके पेपर बनाता रहे, इतना प्रैक्टिस मटेरियल किताबें मौजूद हैं कि उसे कोई दोबारा क्वेश्चन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर हमारी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, जो कि अभी हम डेवलप करेंगे विद टाइम, राइट, ऑफ कोर्स वी विल वर्क ऑन दैट, वी विल स्पेंड क्लास टाइम ऑन दैट,
तो ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको कंफर्म कहता हूँ। लेकिन ज़रूरत क्या है कि हम उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें और उस पर वर्क करें। हाफ ऑफ द वर्क इज़ डन इफ़ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम करेक्टली। अब आपके पास इसमें एग्जाम्पल टू भी है, ज़रा उसको भी चेक कर लेते हैं, उसमें पता नहीं क्या करेंगे हम। करें अब ज़रा एग्जाम्पल टू दिखा दें हमारे ऑनलाइन के दोस्तों को। तो जिन जिन लोगों ने 4 मिलियन ऑनलाइन के दोस्तों ने किया था, वो ये देख लें कि वेयर डिड दे मेक अ मिस्टेक। मेरा ख्याल है किसी ने भी इसको इस तरीके से देखा नहीं, 440 ऐड ही नहीं किया है ना जी। रिक्वायरमेंट दिखाएं पूरा, एग्जाम्पल टू आप शो नहीं कर रहे, इसके नीचे वाला स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा इनको जी, थोड़ा ऊपर जाएं यहाँ यहाँ तक। कैन वी आइडेंटिफाई विच आइटम्स टू बी रिटर्न नाउ और वी कांट? डिस्क्लेमर, मैनेजमेंट ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लिहाजा ऑडिट ओपिनियन नहीं देंगे हमें। अब देखें ये वो टॉपिक है, जब आप अकाउंटिंग में पैदा हुए होंगे ना तो आपने पढ़ा होगा NRV कॉस्ट। IS-2 तो सबसे पहला पढ़ा जाता है ना, आसान तरीन IS में शुमार होता है, बचपन में पढ़ाया जाता है। तो आप बड़े हो गए ना, मजीद बड़े होंगे, तो अब मैंने उसमें से एक छोटी, अब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई टॉपिक तो डिस्कस नहीं कर सकता, अभी तो पढ़ना है हमें, लेकिन मैंने आपको उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल दिखा दी कि अगर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एग्जामिन हो तो ऐसे एग्जामिन होगा, अकाउंटिंग की तरह नहीं होगा। 2 more minutes, इसके बाद कॉपीज ले ली जाएंगी। आज क्या बारिश हो रही थी शहर में जी? ऑनलाइन दोस्त, AE और F, अच्छा जी, अच्छा जी, अब हम आ गए यहाँ पे, अब हम रुक गए जहाँ तक भी हम हैं। When are stocks, पहले ये बताएं what is NRV? Net realizable value. And when are stocks written down to NRV? When are stocks written down to NRV? ये when NRV is less than cost, everybody with me? Right. ये तो वो एक स्टेटमेंट है जो कोई बिल्कुल ख्वाब से भी हमें उठाए ना हम कहेंगे स्टॉक्स आर रिटन डाउन टू NRV when NRV is less than cost। ठीक है, NRV कैसे कैलकुलेट होती है? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट टू सेल, एवरीथिंग इज एस्टिमेटेड अनलेस इट हैपेंस एक्चुअली। So I can put estimated here, I can put estimated here. Of course, it's all estimated unless you actually sell, unless you actually incur cost. Cost किसे कहेंगे? Cost को हम लिख सकते हैं selling price minus GP. Of course, all estimated until you have sold the product, right? Or unless you have actually contracted to sell so that you know when is or the sale taking place and at what price. तो अब मैं estimated estimated लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात हो गई, क्योंकि सारी चीज़ें ही estimated हैं। अच्छा जी, तो अब मैं दोनों तरफ से selling price काट सकता हूँ। इक्वालिटी हो या इनइक्वालिटी हो, दोनों तरफ से कट सकता है, ये बेसिक अर्थमेटिक है। माइनस कॉस्ट टू सेल is less than minus GP. Inequalities का एक fundamental principle बचपन में हमें पढ़ाया गया है कि जब आप इनकी signs ख़त्म करें तो ये क्या कर देंगे, इनकी शक्ल गिरगिट की तरह चेंज हो जाएगी। यो ऐसे ही है, so stocks are written down to NRV when your estimated cost to sell is greater than your estimated GP. As simple as this, right? अब इसे आप कह सकते हैं यहाँ तक, आप कह सकते हैं ये आपकी नॉलेज थी और ये आपकी एप्लीकेशन आ गई। ये सब्जेक्ट स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, अकाउंटिंग की नॉलेज तो इसने बोरो की,
ये तो आप पढ़ के आए, ऐसे ही हम यहाँ स्टैट्स हामिद हकीम की किताब के जो आपने फॉर्मूले देखे थे ज़माने कदीम में, जिनसे आपको अजीब भी महसूस होता था, वो तो आपने पढ़े हुए हैं, हम उनकी बेस पे फैसले करेंगे यहाँ, बिजनेस डिसीजन करेंगे, राइट। तो अब इसकी बेसिस पे कैन यू नॉट आइडेंटिफाई, अगर मैं ट्रेडिशनली सोचूं, मैं कहूँगा पागल एग्जाम ने सेलिंग प्राइस दी नहीं, NRV की बातें कर रहे हैं, हाँ कदम। अब इसकी बेसिस पे आप वैसे ही देख सकते हैं, एफ तो खैर बगैर इसके भी कर सकते थे आप, GP नेगेटिव हो गई, राइट, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट, तो वैसे ही अंडरस्टूड था, बाकी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें आपको बाकी नीचे और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, आइटम ए के बारे में गिवन है, राइट, सी के बारे में गिवन है, सो कैन यू डू दिस, राइट। सो नाउ दिस सब्जेक्ट इज अबाउट दिस, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू गाइस, राइट। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स कर सकते हैं रेशियो से पिक करके, कि आपने अकाउंटिंग रेशियोज पढ़े हुए, अब आप अप्लाई करें उन्हें। दिस सब्जेक्ट इज अबाउट एप्लीकेशन एंड पीपल स्ट्रगल बिकॉज दे आर अनएबल टू अडेप्ट टू दिस सब्जेक्ट इन दैट वे, राइट। और अगर आप एक बार ये अडेप्ट कर लें, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट, राइट। या ये लोग कहते हैं सर वो 3 किताबें अलाउड हैं, तो हम कौन सी ले जाएँ, रिविजन किट ले जाएँ? मैंने कहा हाँ, बड़े आराम से चाय पीजिएगा, खोल के कंपेयर कीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन लगा, फिर कॉपी कीजिएगा सोल्यूशन, इतना टाइम थोड़ी होता भाई। तो 3 किताबों में से 1 किताब ले जाएँ, वो इसलिए है कि कोई फार्मूला भूल गए आप, कैलकुलेशन के सब्जेक्ट में इसका वो होता है कि कोई फार्मूला भूल के देख लिया, कुछ लोग टेबल्स यूज़ करते हैं एनटी वगैरह की, तो टेबल्स से रेफ़र कर लिया, कोई ऐसी चीज़ आ गई जो आप एकदम भूल गए, वो आपने देख ली, राइट। इससे थोड़ी होती है 3 किताबें कि आप उसमें से अभी नई किताब ले गए पन्नी पैक, और आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट से ढूंढ रहे हैं टॉपिक कहाँ है, और फिर वो देख के सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अभी मैं आऊँगा इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे, है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ना सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के पर्सपेक्टिव से, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट इफ़ यू आर ऑन द राइट टेंजेंट एंड डायरेक्शन, बल्कि आप इंजॉय भी करेंगे और आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये सब्जेक्ट बड़ा काम आएगा इंशाल्लाह। तो अब आइए, बिफोर वी ब्रेक फॉर नमाज, आपको मैंने एक हैंड आउट दिया है सबके पास, दैट्स अबाउट द सिलेबस ब्रेकअप, राइट। देखें इसके सिलेबस को 8 मोटे हिस्सों में ब्रेक किया जा सकता है, 8, ठीक है, जिनमें अगर मैं कहूं आप देखें, आप हाईलाइट करें, यहां पे ब्लो कर दें, आप ये हैंडआउट वहां ऑनलाइन भी शेयर करें। बेटा ये है आंसर ऑफ एग्जाम्पल 2, ये मिल गया सबको, इसकी बेसिस पे आप इवैल्यूएशन करें। Will you be able to do this example too, or should I do it now? Is that okay? अच्छा, अब आइए सिलेबस पे, सिलेबस का ये बेटा ये स्क्रीन पे अपलोड करें। No, it's apparently जैसे सेलिंग कॉस्ट, आप यहाँ से देखें सेलिंग कॉस्ट बेटा इज ग्रेटर देन GP, तो आप सीधा सीधा देख लें ई एंड एफ तो वैसे ही आ गया, ए और सी के लिए आप मजीद वर्किंग कर लें, राइट। बी इज़ नॉट, बिकॉज बी की जो सेलिंग कॉस्ट है वो कम है एस्टिमेटेड, और इसका ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है। ये स्क्रीन पर नहीं आ रहा अपलोड, सिलेबस को अपलोड करें इस पर, सिलेबस ग्रिड, ये वाला ना, ये हैंड आउट लगाएं, जी ये व्हाट्सएप कर दिया आपने जी। अब देखें आपका जो BFT का अगर हम सिलेबस देखें ना मोटा मोटा, तो उसमें क्या टॉपिक्स हैं,
उन टॉपिक्स को मैं यहाँ नोट कर देता हूँ एंड देन हम इसको ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। एक पहला आपका है फोरकास्टिंग वाला टॉपिक, फोरकास्टिंग रेशियो एनालिसिस हार्डली एग्जामिन्ड बट दैट्स वन एरिया। उसके बाद है बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फिर है एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फिर आपकी है शेयर वैल्यूएशन और इसी के साथ लिंक्ड है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। सिक्स पे आ गया आपका फॉरेक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, डिविडेंड पॉलिसी डिसीशंस, और फिर एट्थ वन इज अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एरियाज। अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप मार्क करें जो फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव और हमने पढ़ने पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से जिनमें हम टाइम स्पेंड करेंगे, वो ये बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसी अल्दो इसका 30-40% आप पढ़ चुके हैं राइट, इस पार्ट का जिसमें आपकी एनपीवी आईआरआर, यहीं से हम स्टार्ट भी करेंगे टेक्निक्स राइट, सेंसिटिविटी एनालिसिस, राशनिंग, लीज और बोरो, ये सब इसके अंदर आता है। देन योर एडवांस इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस वो इस एरिया में आते हैं राइट। ये जो परसेंटेज वेटेजेस लिखी हुई हैं ये ऑन एन एवरेज अगर हम आपको देंगे 10-15 अटेम्प्ट्स का आप एनालिसिस करें, अदर 20 अटेम्प्ट्स का आप एनालिसिस करें 10 साल का, तो कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा इनकी एग्जामिनेशन वेटेज भी आपको इसी के आसपास नज़र आएगी ठीक है। फिर आप आ जाएं, ये दो टॉपिक्स अक्सर मिलके एग्जामिन हो रहे होते हैं, कभी इंडिपेंडेंटली भी एनालिसिस होते हैं, लेकिन मर्जर्स एंड एक्विजिशन में वैल्यूएशन वाला एलिमेंट वैसे ही आता है राइट। ये भी एक डिसीजन है कि क्या मैं किसी कंपनी को, यहाँ क्या है डिसीजन है क्या मैं एक प्रोजेक्ट करूँ या ना करूँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें से कौन सा प्रोजेक्ट करूँ राइट, एक प्रोडक्ट लॉन्च करूँ फाइनेंशियली वायबल है या नहीं, या लॉन्च ना करूं राइट, फैक्ट्री लगाऊं इज इट फाइनेंशियली वायबल, ऑफकोर्स आप फाइनेंशियल वायबिलिटी करेंगे, इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी और टेक्निकल फिजिबिलिटी तो हमारा काम नहीं है, वो तो इंजीनियर्स का काम है, हम क्या करेंगे फाइनेंशियल या इकोनॉमिक फिजिबिलिटी डिटर्मिन करेंगे। तो यहाँ क्या है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, फाइनेंस प्रोजेक्ट करें ना करें, बेसिक लेवल, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हों कैसे प्रायोरिटाइज करें, एंड देन हाउ डू वी फाइनेंस, वॉट इज़ द बेस्ट वे टू फाइनेंस, ये है इन दो। फिर ये इसके एडवांस वर्जन है राइट, हाउ डू वी फाइनेंस, एडवांस इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। ये एक वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज, ये ट्रांजेक्शन एडवाइजरी के जो सेक्शंस फॉर्म में होते हैं वो बेसिकली इसकी एडवाइजरी कर रहे होते हैं, ड्यू डिलीजेंस, वैल्यूएशन, M&A एडवाइजरी, वो ये कॉम्पोनेंट है राइट, वेरी इंटरेस्टिंग, इसकी डिस्कशन भी हम करेंगे। फिर ये एक बहुत बड़ा एरिया है आपका फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग राइट, जिसमें एक्सचेंज रेट के बेसिक से लेके और फॉरेन करेंसी और इंटरेस्ट रेट्स और शेयर प्राइस रिस्क, इन सब को हम रिस्क को समझेंगे, रिस्क यानी ख़तरा है क्या, और फिर उस खतरे से बचने के लिए व्हाट इज़ दी हेजिंग या रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स राइट, वो सारी भी डिस्कस करेंगे। चूँकि फॉरेक्स इज़ प्रीडोमिनेंट पार्ट, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क भी आ जाता है, शेयर, ये सब, ये तो सिर्फ आज हम विंडो ओपन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हम एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एरिया रिस्क मैनेजमेंट राइट, हर वो चीज़ जो फ्लक्चुएट करती है ना वो एक रिस्क क्रिएट करती है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होते हैं दे क्रिएट व्हाट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है दैट क्रिएट्स व्हाट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज रेट रिस्क, अब्बा का मूड ऊपर नीचे होता है दैट्स कॉल्ड मूड स्विंग रिस्क राइट। अभी बात नहीं करनी, अभी ऐसा ना हो कि मामला उल्टा ही पड़ जाए, करते हैं ना आप ख्याल, क्या करते हैं आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हैं राइट। तो ऐसे ही शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं दैट्स कॉल्ड इक्विटी प्राइस रिस्क या शेयर प्राइस रिस्क, एनीथिंग दैट इज वॉलेटाइल फ्लक्चुएट्स जनरेट्स अ रिस्क एज पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड उसकी हम सारी रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फिर क्या टूल्स हैं, हेजिंग टेक्निक्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, विल टॉक अबाउट दैट। कमोडिटीज़ की प्राइसेस भी ऊपर नीचे हो रही होती हैं बट
वो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन इक्विटी प्राइस, इंटरेस्ट रेट, तो फंडामेंटल्स वही हैं ज़िंदगी में। डिविडेंड के डिसीजन, ये एक बहुत छोटा टॉपिक है, ये इनसिग्निफिकेंट टॉपिक है, छोटे टॉपिक्स हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द BFT पार्ट, राइट। इसमें आपने इसका कुछ हिस्सा पढ़ा हुआ है, बाकी सब आपके लिए नया होगा। पर ये फोरकास्टिंग वाला, बैलेंस शीट, PNL की कभी फोरकास्टिंग, इसमें कभी ऐसे पूछ लेता है, जनरल नॉलेज आई थिंक शुड नॉट बी एग्जामिन्ड, दीज आर जनरल क्वेश्चन, बट कभी कभी आ जाते हैं। कि आपसे कहा जाए आपने लोन लिया है, उसकी कॉवेनेंट ये कहती है कि आपको DE रेशियो मेंटेन करना है 50-50 ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, बताएं क्या आप वो कॉवेनेंट कंप्लाई कर लेंगे? और एक बड़ा डेटा दिया हुआ है, तो अब इफेक्टिवली क्या करना है आपने? DE रेशियो चेक करना है ना अगले 5 सालों में, इज वॉट फोरकास्ट ऑफ द PNL का फोरकास्ट होगा, एक ओपनिंग इक्विटी होगी, आप ऐड करके देखते रहेंगे कि भाई, और डेट और PNL का, इक्विटी और डेट का फोरकास्ट है, इक्विटी के फोरकास्ट के लिए PNL फोरकास्ट करना है। या कहा जाएगा कि आपको ये रिपेमेंट शेड्यूल है, विल यू बी एबल टू मेक टाइमली पेमेंट्स? अब क्या करना है? अब कैश फ्लो फोरकास्ट करना है। इट्स जस्ट अ सिंपल फोरकास्टिंग क्वेश्चन। ये भी कभी कभी आ जाते हैं, कम हो गए अब कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, बट दैट्स वेरी सिंपल। ये चीज़ भी आपने पढ़ी हुई है, द रेस्ट दैट यू हैव टू स्टडी एंड वी विल स्टडी टुगेदर। या आ जाए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के काफ़ी फंडामेंटल्स आपने पढ़े हुए हैं। इसमें एक बड़ा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल, डिसीशन मेकिंग इसके अंदर भी एक है, और वो डिसीशन मेकिंग और इस डिसीशन मेकिंग के फंडामेंटल्स में कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है। यहाँ भी बेसिकली डिसीशन मेकिंग ही है कि मैं इन्वेस्ट करूँ या ना, डिसाइड ही कर रहे हैं कुछ। एक ये टॉपिक है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, EOQ, याद है कुछ, वंस अपॉन अ टाइम, राइट। तो इसकी आपने बेसिक्स पढ़ी हुई है काफ़ी सारी, लेकिन इसका एडवांस वर्जन है और हम वो देखेंगे और हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद है आपकी वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंसेस भी आपने सारी पढ़ी हुई, एक्सेप्ट फॉर 2-4 बड़ी बड़ी वेरिएंसेस हैं उसको हम, लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा कभी कभी कॉम्प्लेक्स आता है, तो वो एक क्वेश्चन को हैंडल करना। और यहाँ प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस का एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, एक दो वेरिएंसेस ऐसी नहीं आती हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, वरना कैफ में आपने ये सारी वेरिएंसेस पढ़ी हुई हैं। 80% ऑफ द वेरिएंस एनालिसिस आप पढ़ चुके हैं, बल्कि जब मैं ये कराऊंगा तो मैं स्टार्ट ही कैफ के क्वेश्चन से कराता हूँ, राइट। कि आप पहले यहाँ तक आ जाएं, उसके बाद पहले हम रिवाइज करेंगे, कैफ के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम ऊपर आएंगे आपके कैफ के, राइट। उसके बाद एक टॉपिक है ट्रांसफर प्राइसिंग, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे, है ना। इस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बड़े अच्छे मज़ेदार क्वेश्चंस भी हैं, और 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, राइट। इस पर हम टाइम स्पेंड करेंगे अच्छा खासा, इस पे भी हम टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये भी आपका एक वीक एरिया जनरली होता है, ठीक है ना। ये हम फिर भी क्विकली कर सकते हैं, आपने फिर भी पढ़ा हुआ है, राइट। उसके बाद है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, एक नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट इस पे भी हम टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कभी किसी पेपर में 2 क्वेश्चन बहुत आ गए, वरना टिपिकली 1 क्वेश्चन आएगा और वो 20-25 मार्क्स का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो आपका 75% ये है, कह लें आप, ये सिलेबस या पास्ट पेपर्स का, जब से ये सब्जेक्ट ये बनाया। वैसे भी आप देखें, पहले तो खैर ये वाला कंपोनेंट नहीं होता था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग पेपर था, अब जब मर्ज हुआ है, उसके बाद के जितने पेपर्स हैं आप देखेंगे जो है ना, 7-8-10 पेपर्स, तो उसमें आपको एवरेज ये है। इज़ एवरीबडी विथ मी? राइट। तो विद दिस हम करते हैं क्विक ब्रेक, हम ब्रेक करते हैं, फिर हम आके डिस्कस करेंगे कि हम कैसे चलेंगे, हमारी फिलॉसफी क्या है, एंड विनिंग फिलॉसफी या मेथोलॉजी क्या होगी हमारी, जिसमें इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, बड़े आदमी बनेंगे इंशाल्लाह, और अच्छे आदमी भी बनेंगे, ठीक है जी। सो विद दिस दोस्तों, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, वी विल रीकन्वीन इन अबाउट 15 मिनट्स। थैंक यू।